नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आप सभी दोस्तों के सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा हर पढ़े लिखे बेरोज़गार को लोन मुहैया कराने का जिम्मा लिया गया है। दोस्तों, अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं और दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने मोबाइल से, अपने पीसी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये उठता होगा सवाल कि अप्लाई कैसे करें, तो चलिए अब हम आपको अप्लाई करने की नियम को बता रहे हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम में यहाँ आपको टाइप करना है PMEGP। ठीक है, ये इस पर क्लिक करना है और सर्च कर देना। सर्च करने के बाद जो पहले नंबर पर आएगा ये लिंक, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको देखिए राइट साइड ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जैसे लैपटॉप में खुलता है, पीसी में खुलता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। यहाँ ये पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो आपको फॉर्म के रूप में आएगा। इस पर आपको सब कुछ अपना डिटेल फिल करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दोस्तों, इधर राइट साइड नीचे में सब कुछ लिखा भी है कि 1 नंबर में क्या भरना है, 2 नंबर में क्या भरना है, ये सब लिखा हुआ है। तो सब कुछ देख करके आप भर लीजिएगा। आप मेरे वीडियो को देख रहे तो आप कोई बच्चे नहीं है दोस्तों, कि स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कहाँ नाम भरना है और कहाँ आधार नंबर भरना है। ठीक है, जो ज़रूरी है वो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए सोशल कैटेगरी, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ डाल देना। ठीक है, जो भी आपका है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इस पर क्लिक करना है, सोशल कैटेगरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप बेरोज़गार हैं, तो एक्स सर्विसमैन पर क्लिक कर देना है आप। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपको जो भी देना है वो दे दीजिएगा, जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपको दे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, पैन नंबर देना है। उसके बाद देखिए यूनिट लोकेशन, ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको अर्बन में क्लिक करना है, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूलर में करना है। ठीक है, तो जो भी आप हैं आप अपने अनुसार देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और आप कौन से काम के लिए लोन ले रहे हैं वो आपको यहाँ टिक लगाना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, सर्विस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए है, तो आपको जो भी है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लिक कर लीजिएगा। के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको दोस्तों आपको यहाँ 3 नंबर पर बताना भूल गया था, 3 नंबर पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अगर शहरी से हैं तो आप DIC क्लिक कीजिएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में ऊपर तो ऊपर के कोई भी 2 ठो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो
यहाँ से आपको सिलेक्ट करके वहाँ चले जाना, ठीक है। तो हम बैक कर लेते हैं, ओके। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है यस या नो, तो नो। उसके बाद आपको यहाँ बैंक डिटेल फिल करना है, ठीक है। तो बैंक, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ टाइप करना है। तो सेंट्रल बैंक मेरा है, तो हम यहाँ सेंट्रल बैंक पर क्लिक करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है और खुद ब खुद अपने यहाँ ले लेगा, ठीक है। ऊपर में हम नहीं फिल किए हैं, इसीलिए बार बार स्टेट को फिल कीजिएगा, उसके बाद ही वहाँ वो लेगा, ठीक है, कौन सा स्टेट है, इसीलिए स्टेट पर चला गया, ठीक है। तो ये सब आप सही सही भर लीजिएगा, और भरने के बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, और पेज ओपन होने के बाद उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार, आपका वोटर कार्ड, एक फ़ोटो, पैन कार्ड, ये आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फिर से एक बार लॉगिन करके देख लेना है कि सही सही सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको लॉगिन करने के लिए फिर से बैक जाना पड़ेगा, तो चलिए हम बैक चलते हैं। ये हम बैक जा रहे हैं, यहाँ आपको आना है और आपको यहाँ लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, और पेज खुलने के बाद आपको यहाँ यूजर आईडी दे देना है, जो आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है। और इसके बाद पासवर्ड तो मालूम नहीं, अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर कीजिए, यहाँ एप्लीकेशन आईडी दे दीजिए और आधार नंबर दे दीजिए और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो दे दीजिएगा, और आपको लॉगिन करके देख लेना है एक बार, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ओके, धन्यवाद।